आज मैं यहाँ पर आप व्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ आज का। और सबसे पहले तो व्यूअर्स आप लोग कैसे हैं, उम्मीद है कि सब खैरियत होगी, सब ठीक ठाक। आज मैं यहाँ पर जो हूँ अपना गाड़ी के इंस्पेक्शन के लिए आया हूँ, स्टेट इंस्पेक्शन, और उसके बाद मैं इसका टैक्स जमा करूँगा क्योंकि मैंने ये गाड़ी लास्ट ईयर ली थी जुलाई में, तो एक साल होने वाला है। पहले यहाँ पर जो है जो प्रोसीजर है, स्टेट इंस्पेक्शन होती है हर साल गाड़ी की, उसके बाद फिर आप टैक्स जमा कर सकते हैं। तो अब मैं ये काम करूँगा, इसके बाद फिर यहाँ से टैक्स जमा करने जाऊँगा। तो मिलता हूँ कुछ देर में आपको। व्लॉग आज मैं दोबारा से वापसों पर आया हुआ हूँ, जो कुछ ज्वाफरी है वो ख़त्म हो चुकी है, इफ्फत को मैं ड्रॉप करके आ गया हूँ जॉब से। और आज मुझे कुछ चीज़ें लेनी हैं जो कि कॉस्को से, तो चलिए मेरे साथ चलें और ड्रॉपरी करते हैं। ये जो है केले हैं, काम है वो सारे तकरीबन निपटा लिए हैं। इस वक्त मैंने गाड़ियों का टैक्स जमा करा दिए और साथ ही साथ मैंने कॉस्टको से टिशू रोल लेने थे, अंडे लेने थे, वो ले लिए सामान खरीद कर। अब मैं गाड़ी में गैस भी भरवा ली है मैंने इस वक्त कॉस्टको से ही। कॉस्टको में नॉर्मली जो है वो तकरीबन समझ लें कि थोड़ा सा फ़र्क होता है 10 से 15 सेंट का पर गैलन नॉर्मली दूसरी जगहों से, क्योंकि मेंबर्स के अलावा किसी को अलाव भी नहीं होता ये। तो वहाँ से मैंने गैस भी भरवा ली है और साथ ही साथ अब मेरे तीनों काम फिनिश हो चुके हैं। मैं अब घर जा रहा हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ मैं घर पे। व्यूअर्स, मैं आपको अपना जो पुराना लैपटॉप है जो तकरीबन 5 साल से यूज़ नहीं कर रहा था और इसे मैंने ऐसे ही ट्रैश में डाला हुआ था तकरीबन, आज मैं इसे मैंने कहा खोल के देखता हूँ कि शायद ये ऑन हो जाए। और अच्छी बात यह है कि ये ऑन हो गया है। अब देखते हैं कि अब मुझे इसका पासवर्ड बिल्कुल नहीं याद है, तो मुझे इसको देखना पड़ेगा कि क्या पासवर्ड था। मैं ट्राई करता हूँ इसको, अगर पासवर्ड लग जाता है तो मैं, क्योंकि इसमें मेरी काफ़ी जो फोटोग्राफ्स हैं पुराने, तकरीबन आप ये समझ लें कि 15-16 साल से भी ज़्यादा पुराने फोटोग्राफ्स होंगे इसके अंदर, कुछ वीडियोज़ होंगी। और अगर ये चल पड़ता है तो मैं इसको रिस्टोर करना चाहूँगा और फिर मैं आपके साथ भी ये फोटोग्राफ शेयर करूँगा। मैंने पासवर्ड जो है वो रिस्टोर कर लिया है, ये बड़ी खुशी की बात है कि पासवर्ड रिस्टोर हो गया है और मेरा ये लैपटॉप जो है ये ऑन हो गया है। अब मैं इसमें देखता हूँ कि कौन कौन से फोटोग्राफ मेरे पास हैं। पहले मैं अब मैं आपको, क्योंकि पुरानी तमाम फोटोग्राफ रिस्टोर हो चुकी हैं, तो मैं आपको अपने पुराने पेट से मिलाऊँगा जब हम पाकिस्तान में थे। और ये जो है इनका नाम मन्नू था, अनफॉर्चुनेटली इसकी डेथ हो चुकी है। हम जब वहाँ से आ रहे थे तो हमने एक ये मन्नू और दूसरे इसके साथ हमारे पास दूसरी बिल्ली थी जिसका नाम था सीसी, वो दो हमारे, ये आप देख सकते हैं सीसी, इन दोनों को हमने उमर के फ्रेंड्स के पास दे दिया था कि उन्होंने अडॉप्ट किया इनको। और तकरीबन 2-2.5 साल तक ये रहे, लेकिन उसके बाद इनकी डेथ हो गई। दोनों ही अब नहीं हैं। और आपने ये देख करके आपको हैरानगी हो रही होगी कि ये मन्नू जो है इसको क्यों लीश में रखा हुआ है, तो इसकी वजह यह है कि मन्नू जो है बहुत ही एग्रेसिव किस्म का बिल्ला था और ये अक्सर औकात हमें खुद ही हमें भी काट लेता था, क्योंकि इसका बस जब दिल चाहा ये इसने किसी ना किसी को बाइट कर लिया। इस वजह से इसको आमतौर पर हम लीश पर रखते थे, लेकिन जब रात होती थी तो फिर हम इसे घर से पीछे जो हमारा घर के समझ लें कि आप गैलरी थी या क्या कह लें उसको, उसमें इसको छोड़ दिया करते थे। तो ये एक तरह का डॉग्स की तरह से काम करता था और हमारे घर की रखवाली भी एक तरह से होती थी, क्योंकि इसके होते हुए किसी की मजाल नहीं कि कोई आ सके। अब आप ये देख रहे हैं कि ये साथ ही साथ जो है
सीसी की तस्वीरें आ रही हैं। सीसी दोनों बहुत ही खूबसूरत बिल्ला और बिल्ली थे, और ये आप देख लें कि सीसी भी मौजूद है इसके अंदर। अब मैं आपको एक और नए पेट से मिलाऊंगा। ये इसका नाम मैंने हरामखो रखा है, क्योंकि जब ये बिल्कुल ही छोटा था तो इसके अपने जो साथ में इसकी जो भाई बहन थे बिल्ली बिल्ले, ये उनको भी उनसे खाना छीन के खा लिया करता था, और कभी कभार तो उनको काट लेता था, तो इसलिए मैंने इसका नाम हरामखो रखा हुआ था। इसकी डेथ हमारे सामने उसी वक्त हो गई थी, तकरीबन 2015 में। तो ये हमारे बहुत ही खूबसूरत किस्म के पेट्स थे, अनफॉर्चुनेटली ना हम इनको ला सके और ना ही ये।